फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 बजे से। बच्चे भी चले गए स्कूल और मेरा सुबह का काम सारा हो गया है कम्प्लीट। ही देखिए झाड़ू पोछा नाश्ता वानी सब हो गया। आज तो जानवरों को भी सुबह ही नहला दिया है, ये चमकी गया नहला दिलावेर। तो रात का काम आज झट्टे होगी मेरा, 9 बजे ही सारा काम हो गया है। क्योंकि आज इतनी जल्दी काम क्यों कर रही हूँ मैं, आज कामदार हो रही हूँ रात ही के कारण से निकले। तो आज भी कहीं जा रही हूँ, अभी कहाँ जा रही हूँ, अभी मैं फटाफट होती हूँ रेडी, फिर बताऊँगी आपको। मैं हो गई हूँ रेडी, तो चलते हैं। आज मैं जा रही हूँ चक्की, साइकिल में रख दिया इकट्ठा। पहले तो मिस्टर जी ले जाते थे, अब तो जाना पड़ेगा मुझे ही। तो चलते हैं। तो मैं जाने लग गई हूँ गाइस चक्की, तो जा रही हूँ चक्की, तो चलते हैं साइकिल में धीरे धीरे। पहले तो मिस्टर जी ले जाते थे, अब मेरा नंबर है साइकिल में, मिस यू मिस्टर जी। चलते हैं हमारी चक्की, और यहाँ पर है मंदिर। ये देखिए चक्की में दे दिया है मैंने। तो मैंने आज आपको चक्की भी दिखा दी कि हम कहाँ देते हैं, हाँ आटा चावल कहाँ है, किस चक्की का आटा खाते हैं हम। तो चलती हूँ अब मैं जा रही हूँ कहीं, हाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब चक्की से सीधे मायके। मायका हमारा मेरा पास ही है, आपको बताइए तो पास मायका होने का फ़ायदा। तो चलते हैं मायके की ओर, और आज मैं जा रही हूँ गाइस घास काटने जा रही हूँ मायके। घास हो रखा है बोले थे मम्मी, तो एक पुल्ला काट के ले जा कर थे, तब जा रही हूँ मैं मायके। तभी मैं आपसे बोल रही थी कि आज मैं इतनी कामदार क्यों हुई हूँ, क्योंकि मायके जाना था ना, तभी हो गई रात फटाफट सब काम। अभी 10 नहीं बजे है, तो चलते हैं फिर फटाफट, आना भी हमारे समूह की मीटिंग भी है, तो चलते हैं मायके की ओर। तो मैं पहुँचने वाली हूँ गाइस मायके, आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा मायका कहाँ है। ये देखिए मम्मी तो घास काटने चले भी गए, खेत में दिख रहे यहाँ पर है ये मेरी साइकिल। तो रख देती हूँ फोन, कहीं फोन गिरेगा गाइस। ये देखिए घर, गाइस मैं पहुँच गई हूँ मायके, साइकिल यहाँ पे रख दी है, और वहाँ देखो मम्मी को, ये कामदार मम्मी पहुँच गए हैं घास काटने खेत में। कितना हुआ है घास है, हो ही रखा है। ये देखो गाइस कितना घास हुआ है खेत में, गेहूँ पतले हैं ना, तब नहीं तो गेहूँ टूटते क्यों। ये एक गट्ठा बना दिया मैंने पहला, ये छोटा छोटा एक गट्ठा बना दिया। कौन है वो, मांगने वाले, घास तो वही रखा है इतने, इतने बड़े हो गए। बटवा सब दे दिया हूँ मैं, खुला दीदी 10 रुपए। ये कोई आए हैं, ये तो काट लेते हैं घास, इतने बड़े हो गए गेहूँ। फटाफट काट लेती हूँ घास, फिर धूप लगती है तो घास काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। कितना हुआ है घास खेतों में, ये बीच बीच में लाइन मार, धूप से चमक रहा होगा ऐसे दिख नहीं रहा होगा। तो काट लेते हैं घास, आ गए हम, अब घर जाने की होने लग गई है तैयारी। इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, ना ना सही है। दो गट्ठे रख दिए साइकिल में, तो बात देते हैं आप। बाली भी कैसी दिख रही है, मैं रखती हूँ रुको बाद में लगती हूँ। तो मैं आ गई हूँ मायके से घास लेके, पीछे है घास ये। तो चलते हैं पास मायके होने का फायदा गाइस, घास भी लेने आ रही हूँ यहीं से काट के ले गई, घास भी हो गया, भेंटघाट भी हो गई मायके वालों से, मायके में ना। तो चलते हैं, साइकिल चला रही हूँ गई फोन झड़ोल, अब मिलते हैं आपसे घर पहुँचने के बाद। समूह की मीटिंग का टाइम भी हो रहा है, अभी 12:30 हो गया, 1 बजे से मीटिंग है, तो चलते हैं फटाफट। मैं जाने लग गई हूँ गाइस मीटिंग में,
घर पहुंची अभी, अब मीटिंग का टाइम हो गया है तो चलती हूँ। अभी वैसे नहीं आए होंगे सभी, आज तो 1:15 का टाइम दिया है, अभी बज रहा है 1, तो अभी आएंगे शायद। 15 मिनट का टाइम और है, मैंने कहा चलती हूँ टाइम से, तो चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं गाइस मीटिंग में, अब करते हैं मीटिंग। सभी लोग पहुँच गए, सब आ गए रे, आज कम के दिख रहे हैं। आज हमारी इस महीने की किस्त जमा की जा रही है 2700 रुपये। तो करते हैं मीटिंग। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अब शाम से, शाम के 3 बजे हाथ पैर लगाने का काम तो हो गया गाइस। अब बना रही हूँ चाय, चाय पी लेते हैं। अब यह है चाय टाइम। बच्चे भी आ गए स्कूल से, एक तो चले गए हैं पड़ोस में खेलने और देव देख रहा है टीवी, तो पीते हैं चाय। शाम का काम भी हो गया है कंप्लीट। गाय भैंस को बात दिया है गोट में, अब है खाना पीना बनाने का काम। और मैं जा रही हूँ अभी बरसिंग घाट में, आज रात में देखिएगा शाम हो गई है, लेकिन इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पानी लगाने की हो रही है हमारी तैयारी। पाइप बिछा दिया है पानी लगाने के लिए, तो फटाफट काट लेती हूँ बरसिम, क्योंकि सुबह तो फिर यहाँ खेत में पानी होगा तो फिर बरसिम नहीं काट पाऊँगी, तो अभी काट लेती हूँ। ये देखिए हमारी बरसिम, हरियाली हरी भरी। सुबह होगा खेत में पानी तो मैं काट नहीं पाऊँगी क्योंकि खेत गीला होगा। और कल मैं जा रही हूँ गाइस शादी में, अपने दोस्त की शादी में, नई दोस्त जहाँ मैंने सिलाई सीखी थी पूनम, उन्होंने सिखाया था, उन्हीं की शादी में जा रही हूँ। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि आना करके, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा जब मैं सीखती थी तब भी उन्होंने बोला था कि ज़रूर आना करके, तभी हम सभी लोग जा रहे हैं। सभी लोग मतलब मैं और सुनीता, मेरी पार्लर वाली देवरानी, उनने भी सीखा था, और वो दीदी पड़ोस की एक दीदी और उन्हें सीखा था, वो तो पता नहीं आते नहीं आते। हम लोग जा रहे हैं, तो कल का ब्लॉग बनेगा मेरी नई दोस्त की शादी का ब्लॉग। तो काट लेती हूँ घास फटाफट, कल की तैयारी, काट लेती हूँ बरसिम। गुट्ठा भी बन गया है ये, तो चलते हैं आप घर को। और अंधेरा ऐसा हो गया है, देखिए ये तो गिला पे रात। तो अब होने लग गई है गाइस खाना बनाने की तैयारी। आज बना रही हूँ मैं हरी सब्जी, पालंग की और राई की मिक्स करके, देखिए सूखी सब्जी बनाऊंगी आज। तो तेल भी हो गया है, बना लेते हैं सब्जी। लोका हो गया है धीमा, और अभी धीमा की पढ़ाई। साहिल बनाया टीचर ना, साहिल धीमा धीमा धी हिंदी में देव को मात्राओं का उतना ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए आज सूरज बोरा कर रहा है डिक्टेशन वर्ड हिंदी में। किशोर देव का टेस्ट ले रहा है, देखो कैसा करता है टेस्ट में। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी राइटिंग, ये देखिए देव की राइटिंग कितनी सुंदर है ना गाइस, कमेंट में बताइएगा कितनी सुंदर राइटिंग है देव की। क्या है सुंदर, लिख शुरू से बोलो बेईमान, लिख बेईमान। तो अब अच्छे से मान लो, हो गए पढ़ने तैयारी। तो आज वीडियो यहीं पे करनो एंड, वीडियो पसंद आ रही थी तो वीडियो करे यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिल लू नई वीडियो दगाड़ नए दिन साथ ना देव। ओके गाइस गुड नाइट बाय।